हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो फाइन। और अभी हम मनाली में, और यहाँ का टेम्परेचर हो रखा है -3 degrees, जो कि बहुत कम है। बहुत सही वाली ठंड पड़ रही है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये मेरा होटल है। यहाँ से मुझे अभी चेकआउट करना है थोड़ी देर में। अभी हो रखे हैं सुबह के 8:30, और मैं यहाँ पे 12 बजे चेकआउट करूँगा। आज शाम में हमारी बस है फ्रॉम मनाली टू दिल्ली, तो रात में हम बस पकड़ेंगे। उससे पहले हम जो ये चीज़ें कवर कर सकते हैं वो करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? और अब हम जा रहे हैं जोगनी वाटरफॉल। तो आधे घंटे लगेंगे हमें जोगनी वाटरफॉल पहुंचने में। मिलते हैं वहां पहुंच। ऑटो वाले भैया ने हमें यहीं छोड़ दिया है। अब यहां से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, वो करके जाना पड़ेगा हमें ऊपर जोगनी वाटरफॉल। देख के तो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लंबी ट्रैकिंग है। मैं आपको बैक से दिखाता हूँ। हाँ, कहीं से रास्ता है आगे से, और हमें वहाँ से ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। और अभी हमारे पास बैग भी है, तो उसके लिए शायद ये ट्रैकिंग थोड़ी टफ हो सकती है, बट देखते हैं कहाँ तक जा पाई है। ये बगल में जो पानी आ रहा है वो वहीं जोगनी वाटरफॉल से ही आ रहा है, जहाँ हमें अभी जाना है। रास्ते भी थोड़े पथरीले से हैं, शायद इस वजह से यहाँ पे गाड़ी आती नहीं होगी, ना फोर व्हीलर और ना ही बाइक। सो हमें पैदल ही ट्रैक करके जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जो दिल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रास्ते और भी बढ़िया होते जा रहे हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही। जितना सोचा था उससे कई ज्यादा तूफानी राइड होती जा रही है। अभी हमने राइड स्टार्ट करी है, और अभी आई थिंक 1 किलोमीटर और बचा है। वो दिख रहा है आप लोग, दोनों ऊपर से वहाँ से उधर जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, हमें वहाँ पे जाना है। एक बीच में स्टॉपेज दिया है इन्होंने। कुछ लोग यहाँ पर भी रुक करके यहीं से वापस चले जाते हैं, बट हमने खाना है उस वाले पॉइंट पे जाने के लिए दिखाना। स्टॉपेज लेंगे, उसके बाद हम दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। वो वीव दिख रहा है आपको, वहाँ से हमने स्टार्ट करा था ट्रैकिंग करना। अभी हम इतनी ऊपर आ चुके हैं, और वो जो वीव है हमें वहाँ जाना है। कैमरामैन आबिद के साथ सीधा प्रचारण कर रहे हैं हम आपका जोगनी वाटरफॉल से। यहाँ रास्ता बहुत ही पथरीला है, चलते चलते हमारे पैरों की वाट लग चुकी है, और अभी हमें जाना बहुत दूर है। रास्ते में हमने लिया है एक ब्रेक। ये ड्राइविंग हो या ट्रैकिंग, ब्रेक बहुत ही आवश्यक होती है। चलो, स्टॉपेज लेने के बाद हमारी ट्रैक फिर से स्टार्ट हो गई है, और सोने पे सुहागा ये है कि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। सो बारिश तेज़ होने से पहले हमें ऊपर पहुंचना होगा।
फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे जहां हमें पहुंचना था, जो कि है ये प्लेस। हमें यहां पहुंचना था, हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी वहां से, और वहां से यहां तक आने में हाफ एन आवर लग गया मेरे। थोड़ी सी एडवेंचरस ट्रैकिंग थी, बट इट वॉज क्वाइट अमेजिंग। I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all night. Finally, itni mashakkat karne ke baad hamari trekking complete aur hum pahunche Jogni Waterfall, jo ki ye hai. जोगनी वाटरफॉल को हम कहते हैं अलविदा, टाटा गुड बाय। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ जहाँ से हम चाहकर यहाँ आए। यहाँ पे बर्फ जमी हुई है बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ही एहतियात से चलना पड़ेगा। पूरी बर्फ एकदम सॉलिड हो चुकी है, ये देखिए देखो। हम वहाँ टॉप पे थे और टॉप से अब नीचे आ चुके हैं। एनर्जी लेवल हो चुका है ज़ीरो और पेट हो चुका है खाली, भूख लग रही है ज़ोरों से। तो वो हम पहुँच के सबसे पहले कुछ ऑर्डर करेंगे, अपनी स्कूटी नहीं है। और हमारे कैमरामैन साहब के थोड़ी थोड़ी देर में बंधन खुल जाते हैं पैरों के। I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time.